फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो देखा वह एक लैक्टोज इंटॉलरेंस पे था और उसमें हमने देखा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मगर हम बहुत ही इजी वे में उसको समझेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश त्रिवेदी है और मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जिनेटफिट वेलनेस क्लिनिक अहमदाबाद। तो आज हम देखेंगे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या है, कैसे होता है और इसके पीछे साइंस क्या कहता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में समझें कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या है, तो ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो व्हीट यानी गेहूं, बार्ले, ओट्स, राई के अंदर पाया जाता है। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर करते हो तो जब जब आप ग्लूटेन कंटेंट प्रोडक्ट खाते हो तब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इम्यून को ट्रिगर करता है और वह समय जाते समय स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर जो लाइनिंग्स होती है उसको खराब कर देता है और उसकी वजह से आप बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और जब ये इंटेस्टाइनल डैमेज होता है और वो बहुत बार होने की वजह से आप उसकी वजह से डायरिया या तो थकावट तो वेट लॉस, ब्लोटिंग, एनीमिया एंड कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। और चिल्ड्रन के अंदर तो माल एब्जॉर्प्शन होने की वजह से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक जाता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस को दो भाग में बताया गया है, एक तो है सीलियाक डिजीज और दूसरा है नॉन सीलियाक ग्लूटेन इंटॉलरेंस। इंडियन न्यूट्रिशन का डाटा यह कहता है कि पूरे भारत के अंदर अपनी आबादी के 5% लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि पर्सन ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर करता है, तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल देता हूं। मेरी क्लिनिक में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो आकर ये बताते हैं कि जब वो गेहूं की रोटी खाते हैं तब खाने के बाद उसको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तब हम ये समझते हैं कि हम गेहूं की रोटी तो कई सालों से खाते हैं मगर इससे थोड़ी ना पेट में दर्द हो सकता है। तो वो पेट दर्द के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को या तो गैस्ट्रोफिजिशियन को मिलते रहते हैं मगर उसका डायग्नोस नहीं हो पाता है कि उसको पेट में दर्द क्यों होता है, मगर वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर कर रहे होते और वो भी मालूम नहीं होता। जब मैंने ये प्रैक्टिस के दरमियान एक क्लाइंट ऐसा देखा था, एक लेडी बहुत टाइम से गैस्ट्राइटिस और सीवियर एसिडिटी से परेशान थी। जब वो खाना खाती थी तब उसको सीवियर गैस्ट्राइटिस एसिडिटी होती थी, उसकी वजह से वो कई सालों से एंटासिड्स की टैबलेट्स एंड लिक्विड लेती रही मगर उसको कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने अपनी एंडोस्कोपी कराई तब मालूम पड़ा कि उसके पूरे इंटेस्टाइन रेड कलर के हो गए। उसके बाद वो लोग मेरे पास डीएनए डाइट या तो वेट मैनेजमेंट और उसकी बीमारी के लिए डाइट मॉडिफिकेशन प्लान के लिए मेरे पास आए। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया जो कि वो न्यूट्रिजिनोमिक साइंस पे आधारित है, वो मैंने पहले हमारी पूरी वीडियो में बताया है। रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ा कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर करती है। जब हमने उसका डाइट प्लान दिया और डाइट मॉडिफिकेशन उसके रिपोर्ट्स के अनुसार किया, उसके एक महीने के अंदर उसके पूरे 90% सिम्टम्स चले गए। अब आपको ये लगेगा आपको कब ग्लूटेन इंटॉलरेंस का स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, तो जब आप कम से कम 2 हफ्तों से ज्यादा खाने के बाद पेट में भारीपन या तो ब्लोटिंग फील करते हो या तो डायरिया होता है, तब आपको आपके डॉक्टर को मिलके ग्लूटेन इंटॉलरेंस या तो सीलियाक डिजीज के लिए स्क्रीनिंग के लिए पूछना चाहिए। ग्लूटेन सेंसिटिविटी को ढूंढने के लिए अभी मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट में सीरम IgA करते हैं, एंडोस्कोपी के दरमियान बायोप्सी करते हैं और हमारे यहाँ तो जेनेटिक टेस्टिंग के आधार पर हम लोगों को डायग्नोस कर पाते हैं कि आपको बाय बोन ग्लूटेन सेंसिटिव हो कि नहीं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है और उसकी छोटी उम्र में ही ग्लूटेन का स्क्रीनिंग किया जाता है तब
जीनेटिक टेस्टिंग के आधार पर किया जाता है तो उसकी छोटी उम्र में ही पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में ग्लूटेन इंटॉलरेंस से सफर करता है कि नहीं कर सकता है। तो उससे फायदा होता है कि आप अभी से ग्लूटेन वाली चीजों से कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आपको ऐसी कोई डिजीज पैदा ना हो जिससे आपको लंबे समय तक परेशानी सहनी पड़े। अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि व्हीट, बार्ले, ओट्स, ब्रेड, बर्गर, पान, पिज्जा, केक, कपकेक, चॉकलेट्स, टॉफी, जलेबी, बर्फी, कुकीज, कैन जूस, कमर्शियल न्यूट्रिशन ड्रिंक, इन सब के अंदर ग्लूटेन होता है। और आप न्यूट्रिशन लेबल भी पढ़ सकते हो जिसके अंदर लिखा होता है कि ग्लूटेन फ्री और नॉट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो था ग्लूटेन सेंसिटिव पर, यानी कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस पर। अगर आप सच में ही ऐसे किसी सिम्टम के साथ सफर कर रहे हो तो आपको तुरंत ही उसका टेस्ट करके आपको उसका निदान करना चाहिए, जैसे कि फ्यूचर में कोई लंबी बीमारी से सफर ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी वेरी मच।